Welcome to online classes. You are watching EduPublic YouTube channel. Let's start lecture number 3. Classification and characteristics of plants. Plants are mainly classified as flowering plants and non-flowering plants. First we see flowering plants. Students, flowering plants are those plants which have the flowers. मीन के ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स लगते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते उनको हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर्स क्या होते हैं बच्चों? स्टूडेंट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. द लीव्स इन देयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स. And the outer green colored floral leaves of the flower are called sepal, and inside the sepal there are colored leaves which are called petals. Flowering plants develop seeds in their fruits. ठीक है बच्चों, मीन कि जो आपको इस तरह का जो फ्लावर नज़र आता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, मीन कि ये ऐसा पार्ट है जिससे जो है वो सीड निकलते हैं, सीड से फिर जो है नए प्लांट्स बनते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसकी जो ये जो ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी जो पत्तियां आपको नज़र आती हैं इनको हम सेपल कहते हैं, और जो कलरफुल जो ऊपर से जो आपको लीव्स नज़र आते हैं इन कलरफुल को हम लोग पेटल कहते हैं. ठीक है, एंड जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके जो है सीड जो है कहाँ से बनते हैं कि ये जो फ्लावर है फ्लावर के अंदर ही क्या लगता है सीड बनते हैं, और सीड से जो है फिर फ्रूट्स बनते हैं. स्टूडेंट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. मीन के ये मोनोकॉट प्लांट भी हो सकते हैं और डाइकॉट प्लांट्स भी हो सकते हैं. लाइक जो आप देख सकते हैं ओट, वीट, राइस, दीज आर मोनोकॉट प्लांट्स. ठीक है, देयर लीव्स हैव वेन्स विच रन पैरेलल टू ईच अदर. द फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 3 और मल्टीपल ऑफ द 3. स्टूडेंट्स, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं इनके सीड्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 1 कॉटिलीडन होता है, मीन के एक दाल होती है. जैसे कि आप गंदम को अगर देखें तो वो सिर्फ एक जो है इसकी कॉटिलीडन होती है. इसी तरह से राइस को देखें या ओट को यानी जौ को देखें तो इनकी क्या होती है, इनका जो सीड होता है वो सिर्फ एक दाल से बना हुआ होता है. जैसे चने में आप देखते हैं अगर उसको हम लोग हाफ करें तो उसकी 2 दालें बन जाती हैं, तो वो डाइकॉट होता है. लेकिन जिनकी एक दाल होती है उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं. इसी तरह से जो इनके लीव्स होते हैं उसकी भी एक ख़ास खसूसियत होती है. अगर आप इनके पत्तों को देखें तो इनके पत्तों के अंदर जो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती हैं यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं. पैरेलल लाइन की भी इनकी खसूसियत यानी कि पत्ते को देख के भी आप कह सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है. डाइकॉट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की जो 2nd टाइप है दैट इज़ डाइकॉट प्लांट्स. Like rose, peas and beans, these are called dicot plant because they have 2 cotyledons in their seeds. कि इनके seeds को जब आप देखेंगे तो ये 2 equal half में कट हो जाते हैं, यानी कि 2 दालों वाले होते हैं. इनकी जो cotyledons होते हैं वो 2 होते हैं. And their leaves, veins are in the form of network. Students, अगर इनके आप लीव्स को देखें तो इनकी लीव्स के अंदर जो वेन्स हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में होती है, यानी पैरेलल नहीं होती. नाउ कंपैरिजन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स. स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स की. सबसे पहले अगर हम इनका सीड्स देखते हैं, सीड्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट इज हैविंग 1 कॉटिलीडन. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में आपको जो है 1 कॉटिलीडन नज़र आ रहा है. वाइल जो डाइकॉट प्लांट है इट हैज़ 2 कॉटिलीडन सीड्स. इनके सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं. लाइक ये जैसे आप देख सकते हैं 1 and 2 कॉटिलीडन. एंड नाउ लीफ, लीफ ऑफ द मोनोकॉट प्लांट वेन्स आर रन पैरेलल टू ईच अदर. इनकी जो वेन्स हैं लाइक ये आप देख सकते हैं वेन्स जो है ये इस तरह से पैरेलल जो हैं ये जा रही हैं. जबकि जो लीव्स ऑफ द डाइकॉट प्लांट हैं बच्चों इसको देखें तो ये क्या है, इस तरह से इनकी जो वेन्स हैं वो बिल्कुल एक नेट की तरह से जो है ये बिखरी हुई हैं। देयर वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। नाउ फ्लावर। स्टूडेंट्स, थर्ड कैरेक्टर इज फ्लावर। फ्लावर्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट लीव फ्लोरल लीव्स आर थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्रीज। मीन कि अगर हम लोग इनकी ये पत्तियां देखें, जो फूलों की जो पत्तियां होती हैं ये या तो थ्री होती हैं या मल्टीपल ऑफ थ्री होती हैं। मल्टीपल थ्री मीन के थ्री या थ्री टू या सिक्स या नाइन, इस तरह से होंगी। जबकि जो फ्लोरल लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, फ्लोरल लीव्स आर फोर और फाइव और देयर मल्टीपल्स, मीन के लाइक ये इस तरह से फोर होंगी, एट होंगी या 12, इस तरह से, या अगर 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, इस तरह से ये इनके मल्टीपल्स की फॉर्म में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज जो है क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स देखी हैं। आज हमने नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो है हमारा ये चैप्टर यूनिट 1 जो है वो इख्तिताम को पहुँचा है।